मौसम विभाग की भविष्यवाणी को देखते हुए राज्य का कृषि विभाग भी सतर्क हो गया है। राज्य के कृषि मंत्री प्रभुलाल सैनी का कहना है कि 1,59,000 हेक्टेयर में खरीफ की बुआई का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए 8 लाख क्विंटल बीज की व्यवस्था की गई है। डीएपी में 3 लाख मेट्रिक टन और 8 लाख टन यूरिया की व्यवस्था की गई है। मौसम विभाग की घोषणा के बाद थोड़े आश्वित हैं। 15 मई से केरल से मानसून प्रवेश करेगा। राजस्थान में जून के पहले सप्ताह तक बरसात आने की संभावनाएं हैं और इसीलिए इस बार भी वेस्टर्न राजस्थान पर भी खास जोर दिया जाएगा, जिससे वहां भी खरीफ की फसल के साथ अन्य फसलों पर भी जोर दिया जा सके। कृषि विभाग के द्वारा खरीफ 2018-19 की सारी तैयारियां विभाग के द्वारा कर ली गई है और इस वर्ष पूरे राजस्थान में 1,59,000 हेक्टेयर में खरीफ की फसल बुआई का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।